हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीक्रेट शेफ किचन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए सूजी का उपमा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पर मैं गैस ऑन करूँगी, उस पर रखूँगी एक पैन। पैन में डालेंगे हम सूजी। सूजी को हमें बहुत लाइट ब्राउन भूनना है और लगातार चलाते रहना है। ये देखिए इस तरीके से, और इसे हमें मध्यम आंच पर ही भूनना है। देखिए इस तरीके से आपकी सूजी भुननी चाहिए। और अब हम इसे निकाल लेंगे और एक साइड में रख देंगे। फिर हम एक पैन में डालेंगे घी और घी को गर्म होने देंगे। फिर मैं यहाँ पर डालूंगी मूंगफली के दाने और इनको हम भूनेंगे 2 से 3 मिनट। जब ये भुन जाए तो हम इसे निकाल लेंगे एक बोल में। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी काजू और इनको भी भूनूंगी हल्का सा, और फिर निकाल लेंगे हम और इनको साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर मैं घी में डालूंगी दाल, चना और उड़द की आधा आधा चम्मच। फिर मैं डालूंगी यहाँ पर करी पत्ता। उसके बाद ऐड करूंगी राई के दाने 1 चम्मच। फिर यहाँ मैं डालूंगी कटी हुई हरी मिर्च, इनको थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद डालेंगे यहाँ पर कटी हुई प्याज, इसको भी हल्का सा भूनेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ काट के रखी हुई हैं, और सबसे पहले मैं ऐड करूँगी मटर। उसके बाद यहाँ पर डालूँगी मैं कटी हुई बीन्स। फिर हम डालेंगे कटी हुई शिमला मिर्च, लाल वाली और हरी, दोनों ही मैंने काट कर डाली हैं। ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हैं। फिर हम ऐड करेंगे यहाँ पर कटी हुई गाजर। फिर मैं यहाँ ऐड करूँगी अदरक कटा हुआ। फिर हम डालेंगे नमक स्वादानुसार। अब इसको मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसको ढककर रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। देखिए खोलकर हम कि सब्जी हमारी पक चुकी है। ये देखिए सब्जी पक चुकी है। आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से दबाकर देख सकते हैं कि सब्जी पकी है या नहीं। अगर नहीं पकी है तो आप वापस से ढक दें 2 मिनट के लिए। यहाँ मेरी सब्जी पक चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर को भी हम अच्छे से गलने देंगे। ये देखिए टमाटर गल चुके हैं। और अब मैं ऐड करूँगी यहाँ पर मसाले। यहाँ पर डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच। फिर मैं ऐड करूँगी आधा चम्मच लाल मिर्च। अब इनको मिक्स करेंगे और फिर डालेंगे यहाँ पर भुनी हुई सूजी। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट तक इसको चलाएंगे सब्जी के साथ में अच्छे से मिक्स करके। ये देखिए कितना बढ़िया लग रही है, कलरफुल। अब इसमें हम यहाँ पर ऐड करेंगे पानी। पानी हमेशा याद रहे हमें 2 से 2.5 गुना पानी डालना है। अगर 1 कप सूजी ली है तो 2 कप या 2.5 कप पानी हमें डालना है। मेजरमेंट पानी का हमेशा सही रहना चाहिए। और इसको ढककर रख देंगे। ये देखिए अब हम खोलकर देखेंगे। देखिए उपमा हमारा बनने ये लगा है। ये देखिए लगभग पक चुका है हमारा उपमा। इसको चला लेंगे और फिर गैस बंद करके इसको ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि ये अच्छे से पक जाए। देखिए एकदम बढ़िया बन चुका है हमारा उपमा। कितना अच्छा लग रहा है, देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। ये ब्रेकफास्ट में बहुत ही अच्छी डिश है, बहुत ही लाइट है और हेल्दी भी।
अब हम ऐड करेंगे मूंगफली के दाने, फिर ऐड करेंगे यहाँ पर काजू जो हमने भुने थे, उसके बाद यहाँ पर ऐड करूँगी मैं कटा हुआ हरा धनिया, और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए एकदम तैयार है उपमा। अब इसको आप एक प्लेट में निकाल कर सर्व कर सकते हैं और इसको गार्निश करेंगे ऊपर से हम मूंगफली काजू डालकर, और हम फिर लगाएंगे धनिए का पत्ता। ये देखिए एकदम बढ़िया तैयार है। अब आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर।